हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। और प्लीज सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए चैनल को। चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी विद माय ट्विस्ट, जो कि है व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता मैं अपने हिसाब से बनाना सिखाऊंगा आपको, जिसमें मैं मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि सॉस के लिए मैं मिल्क और चीज स्लाइसेस का यूज करूंगा। तो ये इतना नुकसान नहीं करेगा और हेल्दी भी होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटी शिमला मिर्च, छोटी कटी हुई, एक छोटी गाजर और कुछ 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन, जिसको मैंने पत्ते स्ट्राइप्स में काट लिया है। आप अगर चिकन यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी जगह मशरूम या कोई भी वेजीज यूज कर सकते हैं। आप ब्रोकली यूज कर सकते हैं या आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है ड्यूरम वीट पेने पास्ता और उसके साथ कुछ चीज स्लाइसेस और एक कप मिल्क अपने व्हाइट सॉस के लिए। साथ ही हम पास्ता सीजनिंग यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना व्हाइट सॉस पास्ता। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं पानी बॉईल करने को चढ़ा दूंगा और उसमें मैं अपने पास्ता को सॉल्ट डालकर अच्छे से बॉईल कर लूंगा और साइड बाय साइड मैं चिकन को और साथ साथ दोनों वेजीज को अच्छे से सॉटे कर लूंगा। लास्ट में मैं व्हाइट सॉस बनाकर इन दोनों चीज को उसमें मिक्स करके तीनों को अच्छे से कंबाइन करके अपना पास्ता रेडी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास्ता को बॉईल करने से और चिकन और वेजीज को सॉटे करने से। देखिए, हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर अपना पास्ता डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जब आपका पास्ता अच्छे से कुक हो जाए तो आप पानी ड्रेन कर पास्ता को अलग कर लीजिए। जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, मैंने साइड में कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें करीब 1 टेबलस्पून ऑयल लेके मैं चिकन और वेजीज को अच्छे से पका लूंगा। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें अपना चिकन डालकर अच्छे से फ्राई कर लूंगा। चिकन के साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाल दूंगा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे। हमें चिकन को पूरी तरह से पकाना है। आप एक बार चेक जरूर कर लें कि चिकन अच्छे से पक गया है कि नहीं। जब चिकन 85% के करीब पक जाएगा, तब मैं इसमें अपनी वेजीज डालूंगा और उनको 1 से 2 मिनट तक चिकन के साथ सॉटे करके निकाल दूंगा। देखिए, हमारा चिकन ऑलमोस्ट 85% तक फ्राई हो चुका था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाइस्ड गार्लिक डाल दिया है। इससे आपको एक ऑथेंटिक टेस्ट और अरोमा मिलेगा और गार्लिक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सॉस में। देखिए, हमारा चिकन ऑलमोस्ट 90-95% तक पक गया है। अब मैं इसमें अपनी वेजीज डालूंगा और इसको 2 से 3 मिनट तक सॉटे करके बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारी चिकन और वेजीज अच्छे से सॉटे हो रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे डालना है नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक मैं सॉस में भी डालूंगा, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। देखिए, चिकन और वेजीज को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर दिया है। ये ऑलमोस्ट डन है। हमारा पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं चिकन और वेजीज को अलग हटा के अब मैं अपना व्हाइट सॉस तैयार करूँ। देखिए, मैंने चिकन और वेजीज को अलग कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 कप दूध डालूंगा व्हाइट सॉस के लिए।
और इसको अब हम थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा दूध अच्छे से खौल चुका है। अब मैं इसमें अपने 3 से 4 चीज स्लाइसेस डाल दूंगा। यह आपका बहुत ही क्रीमी और चीजी व्हाइट सॉस बनके तैयार होगा और बहुत ही लिमिटेड और कम इंग्रेडिएंट्स में आपका बहुत ही अच्छा व्हाइट सॉस तैयार हो जाएगा। चीज इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये इसको बिल्कुल सॉस को चीजी बना देगी। देखिए चीज मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर पाउडर डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा व्हाइट सॉस कितने अच्छे से पक रहा है और गाढ़ा भी हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग में डाल दूंगा, करीब 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा सॉस अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल दूंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें चिकन और वेजीज भी डाल देंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा व्हाइट सॉस तैयार हुआ है। इसे बस हम 1 मिनट तक अच्छे से एमलगेमेट कर फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए 1 मिनट होने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और देखिए हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और ये और गाढ़ा हो जाएगा सॉस। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत ही यम्मी है ये। देखिए व्यूअर्स, हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर है और ये खाने में बहुत ही यम्मी है। काश मैं आपको ये खिला पाता। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर फॉर मोर सच रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच।